उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। आज संडे है तो मैं अपनी पूरी एवरी की सफाई करूँगा, शेड की पूरी और वेलकॉन एस का स्प्रे करूँगा और उस पर आपको दिखाऊंगा एक बार दोबारा से कि हमारे ग्रीन नेक माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये आप हमारे होमोग्रोमो के जोड़े ये देखें, ये हमारे डफ, हमारे डफों ने जो है ना सीजन के हिसाब से अंडे दे दिए हैं। और एक का तो माशाल्लाह से इसका तो बच्चा भी निकला हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारा फिशर का जोड़ा, यह हमारे होमोग्रोमो का जोड़ा, ये हमारे कलर लगभग पक्के माशाल्लाह से ये बड़े हो गए। ये देखिए हमारे डफ का बच्चा, पाइट डफ का बच्चा देखें, ये बैठा हुआ माशाल्लाह। ये देखिए इसमें अंडे दे दिए हैं, इसमें भी अंडे दे दिए, ये देखिए इसमें भी अंडे दिए हैं। डफ के तीनों जोड़ों ने अंडे दे दिए हैं। ये देखिए हमारे पूरे, ये देखिए ये हमारे सिल्वर सिल्वर रेड आई जावा, ये देखिए सिल्वर रेड आई जावा। ये देखिए ये हमारी बंगलादेश की काली है, देखिए ये हमारे एल्बिनो कॉकटेल माशाल्लाह से। देखिए इसकी पीछे वाले जोड़े की मादी अंडों पे बैठी है बच्चों पे, मैं आज देखने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे क्रीमिनो और एल्बाइनो के पट्टे, इसमें भी एक जोड़ा है वो अंदर घुसा रहता है। देखिए ये हमारे होमोग्रोमो का नया जोड़ा, ये हमारे घर के पट्टे पिंचों के सारे, ये माशाल्लाह बड़े हो गए। और ये है अक्सर इनके माँ बाप जिन्होंने के सारे देखिए बच्चे हैं माशाल्लाह, चार चौथे कलश ये हमारे पास बच्चे निकालेगी। और इससे भी ना इसमें भी बच्चा है अभी ना, ये हमारे लोटियों का जोड़ा, ये देखें माशाल्लाह से। और ये हमारा कॉकटेल का जोड़ा, ये कल कॉकटेल और हमारी कलर लपट के पट्टे बड़े हो गए माशाल्लाह। जावा वाइट जावा तो हमारे माशाल्लाह बड़े हो गए, ये घोंसला भी बना रहे वो तो देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस मटकिया में घोंसला बना रहे ना, और अभी मैंने इसमें फोन जावा के पट्टे डाले, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कैमरा कोई जूमिंग सही नहीं कर रहा। ये हमारे फोन जावा और वाइट जावा, फ़ोन के भी पट्टे वाइट जावा के पट्टे जो है बड़े हो गए ना। ये देखिए किसने आपको ये लकड़ी बीच में आ रही है, ये देखिए अभी ये ना दो मटकियों में नेस्टिंग हो रही है ना, इसमें वाइट जावा कर रही है सामने वाली दोनों में माशाल्लाह से। देखिए फोन के पट्टे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा डरे नहीं, ये देखिए बैठे ना फोन फोन के पट्टे, ये अभी बना भी डाले रिसेंटली ना। ये वेलकॉन एस है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, आज मैं अपनी पूरी एवरी में पूरे शेड में इसका स्प्रे करूँगा। ये 3 लीटर पानी में ये सबसे 4, 8, 12 ग्राम धरेगा, 1 लीटर में 4 ग्राम धरता है। ये मैं आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये
और ये सेगवान, सेगवान जो है एक लीटर में एक ग्राम। ये हमने अजीवन मिला दी। ये फौरन हल हो जाता है। स्प्रे में ले लूंगा अपने, स्प्रे के अंदर स्प्रे में करके मैं डालूंगा। मैंने ये अपना स्प्रे दम तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने बताया था कि 200 रुपये का तेल मार्केट में मिलता है, ठीक है। और इसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे 1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर उसको लग जाता है। बस सिंपल है, हवा भरी, ठीक, हवा भरती। और इसके बाद आपने स्प्रे एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अपने हिसाब से हमने एडजस्ट कर लेना है, ये साफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हवा भर में और आप कितने वाले दाना पानी क्या करनी चाहिए, तो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सब पे स्प्रे करना है प्रॉपर। हर स्प्रे अच्छी तरह से आप स्प्रे करना है, मेरी कहीं शानदार स्प्रे होगा। पर इसको करना है अच्छी तरह से, ठीक है। और केवल ये मैंने अपने पूरी एवरी पूरे शर्ट की मैंने सफाई कर दी है, मौसम बिल्कुल साफ और क्लियर, ठीक है, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल हर चीज़, हर कचरा, हर चीज़ ये देखें, ये सब कुछ बाहर निकाल दिया है ना, सब ज़रूरत की चीज़ अंदर रखेंगे बस, बाकी ये देखें सब सब साफ, सब चीज़ें साफ कर दी हैं, प्लीज़ कोई गंदगी नहीं। Thank you.
व्यूअर, आपको आज का व्लॉग यकीनन पसंद आया होगा। इसमें मैंने अपने पूरे शेड की सफाई, वेरिकॉन का स्प्रे, आप भी करें, अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखें, बीमारी चल रही है और साफ सफाई ज़रूरी है, मच्छरों से बचाएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।